संजीव त्रिवेदी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बिहार में ही आरा में मौजूद हैं इस वक्त। सबसे पहले संजीव का रुख करेंगे। संजीव, आरा में आप इस वक्त मौजूद हैं, आखिरी फेज में बिहार की भी सीटें शामिल हैं, किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं ग्राउंड पर? देखिए मकसूद, बहुत लंबी यात्रा है। आरा इस वक्त मैं हूँ, लेकिन शुरुआत हुई काराकाट से और काराकाट के दाऊद नगर से, और वहाँ से घूमता हुआ मैं इस वक्त पहुँच गया हूँ अब आरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी। और आरा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में ख़ास तौर पर मुझे ये अपने आप में चेक करने का एक अवसर मिल रहा है, क्योंकि हमने जो काराकाट में देखा वो बड़ा एक दिलचस्प नज़ारा था। वहाँ पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और सामने में जो उनके उम्मीदवार हैं वो दो हैं, और इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से, यानी कि एक त्रिकोणीय संघर्ष है वहाँ पर, और दोनों कुशवाहा समाज से आते हैं जो कि पवन सिंह के खिलाफ है। तो क्या वो वोट बट जाएगा, इस बात के संशय के बीच काराकाट का चुनाव हो रहा है। और बहुत से कुशवाहा समाज के लोग इस बार बड़ा ये समाज निर्णायक है यहाँ के बिहार के चुनाव में, क्योंकि भले ही अभी तक ये कहा जाता था कि एनडीए के साथ है, लेकिन इस बार एनडीए ने टिकट नहीं दिया बीजेपी ने, लेकिन आरजेडी की तरफ से कई लोगों को, कुशवाहा समाज को टिकट दिया गया। अब ऐसे में क्या कोई असर है आरा लोकसभा पर इस बात का कि कुशवाहा समाज बहुत जगहों पर इंडिया गठबंधन को वोट कर रहा है? क्या यहाँ एनडीए का पारंपरिक वोटर बदला है या नहीं बदला है? जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, कुशवाहा समाज के भी लोग हैं, अन्य समाज के भी लोग हैं। मैं इस वक्त हूँ इब्राहिमपुर में, जो कि एक गाँव है पीरो में, पीरो यानी कि एक लोकसभा आरा का क्षेत्र। अब सबसे पहले आप बताइए, इस तरफ आइए, आप इस तरफ आ जाइए। हाँ, आप बताइए हमें कि जैसा कि हमने अभी बताया, बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि आखिर आरा में क्या इसका असर होगा, क्योंकि औरंगाबाद में कुशवाहा बनाम राजपूत हो गया, यहाँ काराकाट में भी हमने देखा कुशवाहा बनाम राजपूत हो गया, अब यहाँ एक राजपूत उम्मीदवार है, तो यहाँ का कुशवाहा समाज किसे वोट करेगा? देखिए, यहाँ जाति पे कोई वोट नहीं है, यहाँ पे हम लोग खुल के आर के सिंह को समर्थन कर रहे हैं, भाजपा को, ठीक है। यहाँ विकास के मुद्दे पर आर के सिंह हमारे यहाँ बहुत विकास किए हैं, इस मुद्दे को देखते हुए हम लोग यहाँ पे वोट कर रहे हैं। आप लोग जाति से आते हैं? कुशवाहा समाज से आते हैं। अच्छा, आप बताइए जी सर, क्या है यहाँ का मूड मिजाज, किसको जा रहा है, किसका पलड़ा, टक्कर किसका है? टक्कर तो अभी यहाँ पे आर के सिंह का ही है, जो कि भाजपा से आते हैं। और यहाँ पे हम लोग, मतलब यहाँ पे कोई जातिवाद का समर्थन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग खुल के भाजपा को ही समर्थन कर रहे हैं, जो कि आर के सिंह खड़ा है भाजपा के समर्थक से। पहले भी आप लोगों ने वोट किया था, पिछली दफा भी, तो क्या उस वक्त जो रुख था वोट का वो एनडीए की तरफ था, उसमें कोई तब्दीली आई है इस बार? पिछले बार भी एनडीए थे हम लोग, और अभी बार भी एनडीए के साथ ही हम लोग हैं। आर के सिंह को हम लोग वोट दे रहे हैं, आर के सिंह बहुत विकास करते हैं, रेलवे का किए हैं, ट्रेन का है, रांची इंटरसिटी का 18 पीरो में कर दिया, बहुत सारा करते हैं विकास, इन चलते विकास के सवाल पे। अब इस तरफ आप आइए, आपने जो शुरुआत में बात कही कि हम लोग विकास के सवाल पर करते हैं, पर ये जो दो घटनाएं घटी हैं, एक जो कि हम लोगों ने देखा चुनावी तौर पर औरंगाबाद में जी जी कुशवाहा समाज बनाम राजपूत समाज, दूसरा हमने काराकाट में देखा, तो क्या उसका कोई असर? नहीं सर, उसका कोई असर नहीं है यहाँ पे, वहाँ से वहाँ का कोई असर नहीं है। हम लोग यहाँ पे वही बता रहे हैं आपको कि यहाँ कोई जाति की वजह से नहीं, मैंने कोई फेरबदल नहीं है। हम लोग कुशवाहा समाज, आप लोगों को टिकट तो मिला नहीं बीजेपी की तरफ से? नहीं, टिकट नहीं मिला है आपके समाज को, तो टिकट नहीं? हमारे समाज को एक आदमी को, सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा जी को टिकट मिला है। हम लोग वहाँ एनडीए के सदस्य, हम लोग उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि हमारे सभी कुशवाहा समाज के लोग उनका समर्थन करें और उनको वोट दे के विजयी बनाए। ये आप बता रहे हैं कि काराकाट के लोगों को? हाँ, काराकाट के लोगों को संदेश दे रहे हैं कि उनको विजयी बनाए, जिससे मान लो कि हमारे समाज के एक नेता हैं, उनको आगे बढ़ाया जाए। पर यहाँ पर उसका कोई नहीं, असर, नाराजगी नहीं, नहीं नाराजगी नहीं है। और भी लोग हैं यहाँ पर, आप इधर आइए सर। आप ये बताइए कि आरा में अमूमन, देखिए बिहार है, बिहार में जातीय मुद्दा अपने आप में बहुत ही ज्यादा प्रमुखता रखता है, लोग यही कहते हैं, आपको लग रहा है कि जिस संदर्भों में ये सवाल कर रहा हूँ मैं, उसका कोई असर यहाँ? नहीं सर, यहाँ तो कोई असर इसका है नहीं, अब समय बदल चुका है, जात पात धर्म से उठ के हम लोग को वोट करना चाहिए, और विकास के मुद्दे पर अगर वोट हो रहा है तो भाजपा से ज्यादा विकास इस क्षेत्र में किसी ने नहीं किया। इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए कितना ज्यादा डेवलप हुआ है, रोड्स नहीं थे, मतलब यहाँ से जितवारा 10 किलोमीटर है, हम लोग को जाने में 2 घंटे लगते थे, अब देखिए 5 मिनट में लोग पहुँच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है,
मतलब काफी विकास हुआ है, और सिर्फ विकास का ही मुद्दा होना चाहिए, जाति धर्म का कोई मुद्दा होना ही नहीं चाहिए। हम लोग यंगस्टर हैं तो हम लोग अगर जाति धर्म में फंसेंगे तो फिर तो भारत का विकास कैसे बनेगी। आप इधर आइए, एक बात बताइए, ये आप यही इसी गांव के हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, अब बताइए कि वहाँ आप लोगों को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भले न मिला हो, भले ही वहाँ औरंगाबाद में कुशवाहा बनाम राजपूत हो गया, भले ही ये काराकाट में भी ऐसा हो गया, पर यहाँ क्या हुआ? यहाँ हमको यही लग रहा है कि जो थोड़ा सा कम पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, जैसे जिनको बुद्धिजीवी मत कहिए, वो थोड़ा सा कुछ चेंजिंग हुए हैं, लेकिन जितने बुद्धिजीवी पर्सन हैं, चाहे वो जादव जाति से हों या कुशवाहा जाति से हों, सब लोग आर के सिंह के साथ हैं, यही हम देखे टाउन से लेकर देहात तक। जादव समाज के लोग आर के सिंह, हाँ जादव में भी जो लोग पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, जो मतलब कि समाज में जिनका कुछ है, कितना परसेंट होंगे उसमें? मान के चलिए कि लगभग 30 से 35%, 30 से 35%। हाँ, जादव का वोट आर के सिंह को मिल रहा है, ये भी हम आंकलन किए। इनकी बात पर विश्वास हो रहा है? हाँ, इनका भी बात सही है, कहना सही है, कहना मतलब 30% तो परफेक्ट है, जो लोग पढ़े लिखे। सजीव बने रहेगा।